वेलकम भाई दोस्तों, नमस्कार। राशन कार्ड की तरफ से जो तमाम अफवाहें फैलाई गई हैं कि राशन कार्ड सस्पेंड होगा या सिलेंडर करना होगा या अपने जो पाए हैं अभी तक वह आपको फ्री में वह जो है रिकवरी होगा, तो चलिए इस बारे में आपको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप राशन कार्ड सिलेंडर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना राशन कार्ड सिलेंडर करें। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको गवर्नमेंट के साइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट का जो है यूपी का यह है ट्विटर हैंडल अकाउंट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा राशन कार्ड सिलेंडर करने का कोई आदेश नहीं है। जो नियम 2014 में लागू किया गया था पात्र गृहस्थी के लिए, वही अपात्र जो लोग हैं उन्हीं के लिए है। और जो पात्र श्रेणी में आते हैं मैं सभी डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जो अपात्रता की श्रेणी में ये लोग आते हैं और पात्र की श्रेणी में ये लोग आते हैं, तो यहाँ पर राशन कार्ड सिलेंडर करने की कोई आदेश नहीं है, यानी कोई नया नियम राशन कार्ड जो है सिलेंडर करने का नहीं हुआ है। सरकार ने साफ की स्थिति निकरण या अपात्रों से वसूली की नहीं जारी हुआ है फरमान, यानी ना ही कुछ निस्तारित किया गया है अपात्रों से कोई वसूली करने के लिए, यह फरमान जारी नहीं किया है। वसूली के डर से प्रदेश में ताबड़तोड़ राशन कार्ड के सिलेंडर कर रहे हैं लोग, यानी जो है वसूली के डर के नाते कई लोग जो है डर के नाते यहाँ पर अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बार राशन कार्ड को सिलेंडर कर देंगे तो आप कभी भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। वसूली का प्रावधान नहीं है, साफ तौर पर हेडिंग में आप देख सकते हैं। और कौन से लोग जो हैं अपात्रता की श्रेणी में आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। राशन कार्ड के लिए ये हैं अपात्र, यानी आयकर दाता हैं, तो यह सभी को पता है जो आयकर दाता हैं और अपात्र की श्रेणी में आएंगे। 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट है, मकान या फ्लैट हो, चार पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर हो, घर में एसी हो, परिवार की आय गांव में 2 लाख तथा शहर क्षेत्र में 3 लाख रुपए सालाना से अधिक हो, 5 KV क्षमता का जनरेटर हो, 1 से अधिक अस्त्र शस्त्र के जो आपके पास लाइसेंस ना हो ना शस्त्र हो, 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि ना हो। जो आपके पास भूमि है वह खेती करने के योग्य अगर 5 एकड़ से अधिक है तो भी आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं। ये अपात्र नहीं है। किन लोग अपात्र नहीं है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सरकारी योजना अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, यानी पीएम की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपका मकान बना है तो भी आप अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। विद्युत कनेक्शन है, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस है। अगर आपके पास एक शस्त्र है और उसका लाइसेंस एक है तो आप जो है पात्रता की श्रेणी में आते हैं। अगर आपके पास एक से अधिक है तो नहीं आते हैं, साफ तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है। मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास मुर्गी पालन है या गौ पालन है तो भी आप अपात्र की श्रेणी में नहीं आते हैं, आप पात्र की श्रेणी में आते हैं। तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो जानकारी हमने दिया है अगर आप इस सभी क्राइटेरिया को आप देख लीजिए, अपात्र की श्रेणी में आते हैं या पात्र की श्रेणी में आते हैं, उसके बाद ही आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर करें। तो इसके बाद आपको सभी चीज यहां पर देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को पॉज करके इस सभी जानकारी को विस्तृत से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।